कानपुर देहात के थाना अकबरपुर के अंतर्गत एक विवाहिता ने पति से विवाद के बाद फंदा लगाकर जान दे दी। घटना की जानकारी पर जिला अस्पताल पहुंचे मायके वालों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाकर हंगामा कर दिया। हंगामे की जानकारी होते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने विवाहिता ने आरोपियों पर कार्रवाई का भरोसा देकर सभी को शांत कराया। कानपुर देहात के थाना अकबरपुर के रनिया निवासी जय सिंह अपनी पत्नी नीलू के साथ रहते थे। रविवार को नीलू की नानी की मौत हो गई थी। इस पर वह सोमवार की सुबह गोगू मऊ गई थी। वहां से नीलू घर लौटी और नहाने के बाद जय की दुकान गई। दुकान पर दोनों के बीच विवाद हो गया, जिसके बाद नाराज होकर नीलू घर आ गई और कमरे में फंदा लगा लिया। कुछ देर बाद जय सिंह घर के अंदर पहुंचा तो नीलू को फंदे से लटका देखा। इस पर उसने नीचे उतार कर जिला अस्पताल ले गया, जहां डॉक्टरों ने नीलू को मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद जय अपनी पत्नी नीलू के शव को अस्पताल पर छोड़कर फरार हो गया। नीलू की मौत की जानकारी पाकर जरसेन थाना मूषानगर निवासी नीलू के पिता राजेश सिंह, माँ सीता देवी, भाई राजन अस्पताल पहुँच गए और जय के ऊपर हत्या के आरोप लगाए, हंगामा करने लगे। वहीं हंगामा की जानकारी होते ही मौके पर पहुंचे सीओ सदर प्रभात कुमार, थाना प्रभारी अकबरपुर प्रमोद कुमार शुक्ला ने नीलू के पिता राजेंद्र सिंह, मां सीता देवी को आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया। तब जाकर वह सभी शांत हुए। थाना प्रभारी ने बताया कि परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।